method or new case of calculation of new and sacrificing ratio. So for calculation of new and sacrificing ratio, so the third case, in last video already I discussed about the two cases. So now we have to study third case. So the third case means it shows when a new partner So basically now we have to start a new topic or new case related to admission of partner. Means this is a case related to calculation of new and sacrificing ratio. Basically this case is known as when old partner surrendered their share in favor of new partner. Means यहाँ पे जो नया पार्टनर है, सॉरी जो पुराने पार्टनर है, वो अपने शेयर का एक पोर्शन नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं. क्लियर? तो देखिए यहाँ जब सरेंडर की बात आती है तो यहाँ पे भी हमें इस केस में भी क्या ध्यान देना है कि गिवन क्या है. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि गिवन पे आपको ध्यान देना है. गिवन अगर आपको क्लियर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है. ठीक? तो जैसे इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो, पहली चीज. दूसरी चीज हमें इसमें गिवन है सरेंडर रेशियो. क्लियर? तो यहां पर हमें कितनी चीजें गिवन होंगी? दो चीजें. एक तो ओल्ड रेशियो गिवन होगा और एक सरेंडर रेशियो गिवन होगा. क्लियर? तो अगर हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और सरेंडर रेशियो भी गिवन है तब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो देखिए इस कंडीशन में हमें न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखिए जब भी ये केस होगा हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे जिसका फॉर्मूला क्या होगा. तो देखिए यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर रेशियो. यानी ओल्ड पार्टनर्स जो है अपने प्रॉफिट का एक पार्ट दे रहे हैं ना, तो कितना दे रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए तो हमें उन्हीं के प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. क्लियर? तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर रेशियो. तो ओल्ड रेशियो में जब हम सरेंडर रेशियो में को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो निकल के आएगा आंसर वो एक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. क्लियर? तो इस तरह से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर रेशियो. क्लियर? तो सैक्रिफाइसिंग मिल गया हमें. अब हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो. सो सेकंड स्टेप क्या होगा? न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि आपको बहुत ही क्लियर है भाई, सैक्रिफाइसिंग हमें पता है, ओल्ड रेशियो गिवन है, अभी हमने निकाल लिया सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो हमें गिवन था तो क्या फॉर्मूला बन गया? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. चलिए अच्छा यहां पे इस वाले केस में हम ए और बी का तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस करके. ए और बी जो दो पुराने पार्टनर थे उनका हमने निकाला, एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी दो पुराने पार्टनर थे उनका तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन जो सी है इसमें सी का तो शेयर दिया ही नहीं क्वेश्चन में. बोलिए, मैंने इसमें दो ही चीज तो गिवन आपको बताई, ओल्ड रेशियो सरेंडर रेशियो, नए पार्टनर का शेयर तो गिवन ही नहीं है, तो अब नए पार्टनर का शेयर कैसे आएगा? बहुत इजी भाई, मान के चलो मैं और एक मेरे मित्र है, हमने एक नए पार्टनर को ऐड किया, यानी मैं ए और एक्स बी, हम दोनों ने मिलकर तीसरे सी को ऐड किया, तो हम दोनों अपना प्रॉफिट उसको दे दें तो जाहिर सी बात है उसको जो अमाउंट मिलेगा हम दोनों ने जो दिया है उसी का तो सम टोटल उसको मिलेगा. बोलिए, तो वही उसका शेयर होगा. यानी ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किया है उन दोनों का अगर हम सम कर दें या टोटल कर दें तो किसका शेयर आ जाएगा? नए पार्टनर का शेयर मिल जाएगा. क्लियर? अच्छा यहां बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, यहां भी बच्चे गलती यही करते हैं कि जब आपका सैक्रिफाइस आता है, मान चलो सैक्रिफाइस है आपका 3/20 और 1/20, तो आप क्या ले लेते हैं? 3/4, 1/4 माइनस करने लगते हैं जब आप कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो. ऐसा नहीं करना, वहां क्या करेंगे आप? सीधा 3/20 एंड 1/20 लेंगे, वो माइनस करेंगे आप ओल्ड रेशियो में से. ठीक? और जब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा, यानी 3/20 प्लस 1/20 करेंगे तो 4/20, ये किसका शेयर हो जाएगा? नए पार्टनर. क्लियर है यहाँ पे? तो ये था हमारा थर्ड केस. इसी से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से रिलेटेड सारी कंडीशंस आपसे पूछी जाती हैं.
फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, रेशियो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उस क्वेश्चन को जरूर बताएं क्या क्वेश्चन आपको पूछना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।